वेलकम टू माय चैनल दिव्यास रेसिपी सीक्रेट में। गुड मॉर्निंग, आप लोग सब लोग कैसे हो? तो चलो आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, भरवा करेला की सब्जी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने ही कढ़ाई में पहले मैंने ये बेसन है तो बेसन मैंने पहले से ही सेक दिया था और मैंने पहले बाउल ले लिया और बाउल में मैं इसमें डालूंगी। इसमें हम पहले डालेंगे कौन सा नमक, ये सारे मसाले हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे ये चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, शुगर, अब इसमें डालेंगे हम नींबू का रस, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की चटनी, और इसमें डालेंगे अदरक, अब हम डालेंगे ग्रीन चिली की पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे ये तिल, इसमें डालेंगे बलिया, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब हम करेला को इसमें भरेंगे। अब हम इस तरह से करेला लेंगे और इसमें सब मसाले भरेंगे। अब मैंने ये करेला को भर दिया है तो अब हम इसको तड़का करेंगे, बनाते हैं। तो हमारे करेला भी भर चुके हैं, अब हम मैं उसको तड़का करूंगी और सब्जी बनाऊंगी उसकी। चलो, अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और मैंने तवा भी ले लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें अब मैं डालूंगी जीरा, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक देंगे ताकि वो पूरी तरह से वो पक जाए। अब हमारा 10 मिनट हो चुका है तो हम देख लेते हैं कि हमारे करेले पक चुके हैं कि नहीं, हम इसे देख लेंगे। यहाँ हमारे करेले पक चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जो मर बचा हुआ था मसाला इसमें डालेंगे। पूरा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि वो मसाला पूरी तरह से पक जाए। अब ये हमारी भरवा करेले की सब्जी रेडी हो चुकी है।